सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। अब मैं टीवी नहीं करना चाहती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं टीवी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे टेलीविजन शोज ऑफर हो रहे थे और मैं उनको रिफ्यूज कर रही थी। 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस, मैं 4th फिल्म शूट कर रही हूँ अभी, व्हिच इज एक्चुअली माय तेलुगु डेब्यू। मैं वो सब कुछ प्ले करना चाहती हूँ जो मैं नहीं हूँ, एक पॉइंट के बाद वो भी जो मैं हूँ। मैं सीरियल्स देन मूवीज, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का एक्सपीरियंस आया टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का ये सफर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। टचवुड, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि टेलीविजन से फिल्म्स में स्विच करना अपने आप में एक प्रोसेस है। आई रिमेंबर बिग बॉस के बाद जब मैंने कई लोगों के साथ शेयर किया, फ्रेंड्स के साथ जो इंडस्ट्री से हैं, कि अब मैं फिल्म्स करना चाहती हूँ, एंड बात सिर्फ पैमाना या ये जिस्ट की नहीं है कि ओह अब मैं टीवी नहीं करना चाहती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं टीवी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। फिल्म्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हर प्रोजेक्ट में आप एक डिफरेंट इंसान प्ले करते हैं, एंड वो थ्रिल, वो मज़ा जो फिल्म्स में है, वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और ज़्यादा। तो उस पॉइंट इन टाइम पे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि फिल्म ठीक है, टाइम है, अभी टेलीविजन कर लो। इनफैक्ट सबसे टफेस्ट पार्ट था जब मेरे पास बहुत सारे टेलीविजन शोज़ ऑफर हो रहे थे और मैं उनको रिफ्यूज़ कर रही थी, ये कहते हुए कि नहीं अब मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ, आई वांट टू फोकस फिल्म्स पर। वो प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक एक बार अगर आप कुछ डिसाइड कर लो एंड आप उसके तरफ काम करो तो वो वर्क करता है। 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस, मैं 4th फिल्म शूट कर रही हूँ अभी, विच इज़ एक्चुअली माई तेलुगु डेब्यू, और आई एम एक्साइटेड। जो लोग बना रहे हैं, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय वी क्रिएशंस, जिन्होंने रजनीकांत सर की कबाली बनाई थी, टी एन कृष्णा सर इज द डायरेक्टर, आर डी सर, इट्स अ फैब टीम। आई थिंक वो फिल्म्स एंड टेलीविजन का बेसिक फिनोमिनल जो डिफरेंस है वो ये है, टेलीविज़न बहुत रश रश में शूट होता है बिकॉज आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फुटेज रोज़ देना होता है। फिल्म भी कई बार रश रश में शूट होती है, लेकिन फिल्म का थ्रिल इन स्क्रिप्टिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है, वो प्रोसेस बहुत अलग है। अच्छा, एक ऐसा कौन सा किरदार है जो आप बड़ी स्क्रीन पे ज़रूर निभाना चाहेंगी, चाहे वो रियल हो या जो फिल्में बन चुकी हैं उस किरदार को मैं निभाने का? मैं वो सब कुछ प्ले करना चाहती हूँ जो मैं नहीं हूँ, एक पॉइंट के बाद वो भी जो मैं हूँ। लेकिन फिलहाल सारी किस्म के रोल, आई थिंक मैं कुछ बहुत बॉसी भी प्ले करना चाहती हूँ एंड कुछ बहुत रूरल एंड एथनिक भी, बिकॉज वो एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है मुझसे और उस कैरेक्टर से, जो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत थ्रिलिंग होता है। अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू यार, बहुत 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 बड़ा थैंक यू हमेशा, बिकॉज मैं हमेशा ये बात कहती हूँ लेकिन मैं जितने बार कहूँ कम है। बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने, इतना प्यार एंड अफेक्शन होना कि आप उनके लिए प्रे करें, या जो मैसेजेस मैं रोज़ देखती हूँ, बहुत हार्ट टचिंग होते हैं। आई थिंक वन ऑफ दोज डेज जब मुझे लगता है कि ओके ठीक है क्या हो रहा है, और मैं फ़ोन पर एक ब्राइट सा पैपी मैसेज देखती हूँ जो फुल ऑन स्माइलीज एंड हार्ट्स के साथ होता है, वो मेरा मूड चीयर अप कर देता है। एंड सिर्फ एक फ्लूक में नहीं, बट मुझे समझ आता है कि आपका प्यार किस लेवल का है। सो थैंक यू।